हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और अभी के लिए जून 2021 चल रहा है, समर सीजन चल रहा है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो हो सकता है आपको एक स्प्लिट एयर कंडीशनर बाय करना होगा 30,000 से कम के प्राइस में। लेकिन कौन से ऐसे एसीज़ हैं जो आपको बाय करने चाहिए, जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे टॉप 5 पिक्स अंडर 30,000 रुपीज। 30,000 से कम बजट मैंने इसलिए रखा है बिकॉज काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं जो कि 25-30,000 रुपये का बजट लेकर चलते हैं। किसी को 110 का ही एसी चाहिए होता है, तो वो भी मैंने इस लिस्ट में रखे हैं। और काफ़ी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम बायर्स भी होते हैं जो कि 30,000 के अप्रोक्स तक का बजट लेकर चलते हैं। सो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी एयर कंडीशनर्स मैंने इस लिस्ट में रखे हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। जैसे कि सभी के सभी एयर कंडीशनर्स अच्छे ब्रांड्स की तरफ से आएंगे, सभी की आपको वारंटी मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी के अंदर रेफ्रिजरेंट मिलेगा R32, जो कि इको फ्रेंडली भी है, एनर्जी एफिशियंट भी है। सभी के जरिए अच्छी कूलिंग भी मिलेगी, अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। प्राइस के हिसाब से थोड़े बहुत फीचर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, और ओवरऑल देखें तो सभी के सभी वैल्यू फॉर मनी होंगे अपने प्राइस रेंज में। तो शुरू करते हैं सबसे सस्ते वाले से। तो सबसे पहले मेरे लिस्ट में माइडिया का 110 3-स्टार नॉन इन्वर्टर एसी। और जिन लोग को माइडिया के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, कैरियर जो कि एसी के मामले में काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, उन्हीं का पार्टनर ब्रांड है माइडिया, जो कि अफोर्डेबल प्राइस रेंज के एयर कंडीशनर्स बनाता है। काफी ज्यादा बिकने वाले एयर कंडीशनर्स हैं और काफी कम प्राइस में मिलते हैं। सो काफी ज्यादा लोगों ने इसको फ्लिपकार्ट से भी खरीदा है और रेटिंग्स वगैरह भी काफी अच्छी रहती है। पर्सनली मैंने भी इस रूम में अभी के लिए माइडिया का 110 एसी ही लगाया हुआ है, फुल रिव्यू भी किया हुआ है इसका, तो देखना है तो आई बटन में मिल जाएगा। वैसे क्विकली स्पेसिफिकेशंस फीचर्स की बात करें तो ये आता है 110 कैपेसिटी के साथ में, 3-स्टार पावर सेविंग रेटिंग है, 2020 मॉडल है, कॉपर कंडेंसर कॉइल मिलती है इस एसी के अंदर, कूलिंग कैपेसिटी है 3550 वॉट की, कूलिंग कवरेज है अप टू 90 स्क्वायर फीट का, रेफ्रिजरेंट है R32। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर फॉलो मी, स्लीप मोड, लो रेफ्रिजरेंट डिटेक्शन, साथ में आई इंटेलिजेंट फिल्टर चेंज अलर्ट भी मिलता है। पावर कंजप्शन है 980 वॉट्स का, एयर फिल्टर भी यहाँ पर दिया हुआ है, AG नैनो फिल्टर, डस्ट फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर। 1 ईयर की कंप्लीट प्रोडक्ट की वारंटी है, 5 ईयर्स की कंप्रेसर की वारंटी है। रेगुलर प्राइस रहता है 23,000 रुपीस के अप्रोक्स, और कोई सेल वगैरह चल रही है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट, साथ में कार डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और इस प्राइस के हिसाब से ये वाला जो एयर कंडीशनर है एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपका रूम का साइज 10x10, 10x12 का है तो आप इस एसी के लिए ज़रूर से जा सकते हैं। वैसे ब्रांड कहता है अप टू 90 स्क्वायर फीट, मेरा जो रूम है 10x12 का है, ठंडा हो जाता है अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। अप टू 90 स्क्वायर फीट तक का रूम है तो 5 से 7 मिनट में आपका कमरा जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम बायर्स हैं तो ज़रूर से इस एसी को ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एसी है मेरी लिस्ट में, ये है पैनासोनिक का 110 3-स्टार स्प्लिट इन्वर्टर स्मार्ट एसी विद PM2.5 फिल्टर एंड वाईफाई। ये वाला एसी आता है 110 कूलिंग कैपेसिटी के साथ में, 3-स्टार पावर सेविंग रेटिंग है, 2020 ईयर का मॉडल है। ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है इस एसी के अंदर, कंडेंसर कॉइल है कॉपर का, कूलिंग कैपेसिटी है 3500 वॉट्स की, कूलिंग कवरेज है अप टू 100 स्क्वायर फीट का, रेफ्रिजरेंट यहां पर इस्तेमाल हुआ है R32, एवोपरेटर फिन टाइप है एंटी कोराइजन ब्लू फिन टेक्नोलॉजी के साथ में, साथ में सील ब्लू 2x इंक्रीज्ड हीट एक्सचेंजर लाइफ स्पैन भी यहां पर दिया हुआ है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो वाईफाई कंट्रोल मिलता है मोबाइल ऐप के जरिए, साथ में वॉइस असिस्टेंट के साथ भी इस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि गूगल और एलेक्सा। पावर कंजप्शन है 990 वॉट्स का, एयर फिल्टर भी मिलता है यहां पर PM2.5 डस्ट एंड बैक्टीरिया फिल्टर, तो थोड़ा सा एयर प्यूरिफिकेशन का भी ये वाला एसी काम कर देता है। 1 ईयर की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 10 ईयर्स की कंप्रेसर और 5 ईयर्स की PCB की वारंटी मिलती है। सो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस पैनासोनिक के एसी के अंदर। सो ओवरऑल 26,500 रुपये के अप्रोक्स का ये एसी है, और इस प्राइस के हिसाब से ये एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपका 10x10, 10x12 का रूम है तो आप इसको ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम खर्चे वाला, मतलब कि थोड़ा सा बिजली बचाने वाला एसी चाहिए तो। और जितने भी एसी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ सभी के अंदर कॉपर का कंडेंसर कॉइल होगा, कोई भी एल्यूमिनियम कंडेंसर कॉइल नहीं है किसी भी एसी के अंदर, बिकॉज ऑफ कॉपर के जो कंडेंसर कॉइल होते हैं वो रिपेयरेबल होते हैं और उनका जो मेंटेनेंस खर्चा है वो भी थोड़ा सा कम आता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम कंडेंसर कॉइल। और हाँ, जितने भी एयर कंडीशनर्स मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ सभी के बेस्ट वाइलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिए हैं। सो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्टली वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल होंगे, तो दोनों ही के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर चेक करिएगा। कार्ड डिस्काउंट
भी चेक करिएगा कौन से बैंक से मिल रहा है। अगर आपके पास उस बैंक का कार्ड है तो उसके जरिए पेमेंट करिएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट का भी फायदा उठा लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो इसी है मेरी लिस्ट में, ये है एक थोड़े से नए ब्रांड की तरफ से, हाइसेंस ब्रांड का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर स्मार्ट एसी विद वाईफाई। तो ये जो ब्रांड है अभी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन रिव्यू रेटिंग्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं, जिसकी वजह से मैंने इस लिस्ट में रखा है, बिकॉज ओवरऑल एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकेशंस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ये आता है 1.5 टन कैपेसिटी के साथ में, 3 स्टार पावर सेविंग रेटिंग के साथ में आता है, 2020 का मॉडल है, कंप्रेसर है डुअल मोड इन्वर्टर वाला, कंडेंसर कॉयल है कॉपर का, कूलिंग कैपेसिटी है 5150 वॉट्स की, कूलिंग कवरेज है अप टू 160 स्क्वायर फीट, रेफ्रिजरेंट यहाँ पर भी है R32, एवोपरेटर फिन टाइप है हाइड्रोफिलिक ब्लू फिन, एंटी कोराइजन गोल्ड फिन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो वाईफाई कंट्रोल मिलते हैं विद हाई स्मार्ट होम ऐप एंड टेम्परेचर सेंसर रिमोट मिलता है सीसी के साथ में। पावर कंजप्शन है 1800 वॉट्स का, एयर फिल्टर भी मिलता है यहाँ पर जो है हेपा फिल्टर, विटामिन सी फिल्टर, ओडोर एंड एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। वारंटी मिलती है 1 ईयर की कंप्लीट प्रोडक्ट की और 10 ईयर्स की मिलती है कंप्रेसर की वारंटी। और इस सब के साथ में ये जो एसी है मिलता है 26,990 रुपये का अभी के लिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस प्राइस के हिसाब से ओवरऑल अगर सम अप करेंगे तो 1.5 टन का एसी है, और अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है तो 160 स्क्वायर फीट तक के एरिया को ये कूलिंग कर सकता है। स्मार्ट फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं, एंटी कोराइजन टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर दी हुई है, टेम्परेचर सेंसर रिमोट भी दिया हुआ है और हेपा फिल्टर भी दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत रूम का एयर प्योरीफिकेशन का काम ये वाला एसी भी कर देगा। और 27,000 रुपये के प्राइस में, मतलब कि पिछला वाला जो 110 का एसी था वो 26,500 का था, ये 27,000 का है, केवल 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर। अगर आपका साइज रूम का थोड़ा सा बड़ा है तो ये वाला एसी मैं जरूर से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। बस थोड़ा सा नया ब्रांड है तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन जिस प्राइस में मिल रहा है उस हिसाब से काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, रेटिंग्स वगैरह भी काफी बढ़िया है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। तो पिछले वाले एसी पर अगर ट्रस्ट नहीं हुआ है तो अगला एसी फिर आप ही के लिए है, काफी ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से है, सैमसंग की तरफ से आने वाला 1.5 टन का 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी। इसका जो प्राइस है 28,990 है, पिछले वाले पैनासोनिक के 110 के एसी से कंपेयर करेंगे तो 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देके ये आपको मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करें तो 1.5 टन कैपेसिटी के साथ में आता है, 3 स्टार पावर सेविंग रेटिंग है, 2020 का मॉडल है, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में, कॉपर कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कैपेसिटी है 4982 वॉट्स की, कूलिंग कवरेज है 120 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट, रेफ्रिजरेंट है R32, पावर कंजप्शन है 1748 वॉट्स का, एयर फिल्टर है HD फिल्टर, वॉशेबल डस्ट फिल्टर के साथ में आता है, वारंटी मिलती है 1 ईयर की कंप्लीट प्रोडक्ट की, 10 ईयर्स की कंप्रेसर की। इस सब के साथ में 28,990 मतलब कि 29,000 रुपये का एसी मिलता है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह सारे ही एसी के ऊपर मिल जाएंगे आपको, और कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है, कोई सेल वगैरह अगर चल रही है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर सम अप करेंगे तो 29,000 रुपये के प्राइस में 1.5 टन कैपेसिटी के साथ में इन्वर्टर एसी चाहिए, ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से चाहिए, तो सैमसंग का ये वाला एसी आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो स्मार्ट फीचर्स हैं, वाईफाई वगैरह है, वो नहीं मिलता है, एक सिंपल सोबर सा एसी है जो कि काफी बढ़िया रहेगा। अगर आपको चाहिए तो जरूर से जाइएगा, बाय कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो एसी है मेरे लिस्ट में, ये है सबसे महंगा एसी, 30,000 का एसी है, और ये भी काफी ट्रस्टेड और पुराने ब्रांड की तरफ से आता है, वर्लपूल का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी जो आता है 1.5 टन कैपेसिटी के साथ में, 3 स्टार पावर सेविंग रेटिंग, ईयर 2020 मॉडल है, कंप्रेसर इन्वर्टर वाला है, कंडेंसर कॉइल कॉपर का है, कूलिंग कैपेसिटी है 5320 वॉट्स की, कवरेज एरिया है 150 स्क्वायर फीट तक का, रेफ्रिजरेंट है R32, पावर कंजप्शन है 1660 वॉट्स का, एयर फिल्टर मिलता है यहाँ पर हेपा फिल्टर जो कि रिमूव करता है PM2.5 वाले पॉल्यूशन वाले 99% बैक्टीरियाज वगैरह को, वारंटी मिलती है 1 ईयर की प्रोडक्ट के ऊपर, 10 ईयर्स की कंप्रेसर के ऊपर। ये वाला जो एसी है इसकी खास बात ये है कि अप टू 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक ये वाला एसी काम करता है, मतलब कि जितने भी पीछे मैंने एसी बताए सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये वाला एसी काम कर जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि वाईफाई वगैरह स्मार्ट वाले जो फीचर्स हैं वो सब नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आपको एक सिंपल सोबर सा ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आने वाला और हाई टेम्परेचर तक काम करने वाला एसी चाहिए तो वर्लपूल के ये वाले एसी को आप ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी हो सकता है आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने कोई भी हिटाची, डाइकन, ब्लू स्टार या फिर ऐसे ही किसी और ब्रांड का एसी इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला, तो
एक तरह से ये जितने भी ब्रांड हैं सभी के सभी ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करके अपने एयर कंडीशनर्स वगैरह को सेल करते हैं, जो कि कंपेयर टू ऑनलाइन जितने भी एसीज मिल रहे हैं उनसे थोड़े से हायर प्राइस पर रहते हैं। ये जितने भी ब्रांड हैं इनकी तरफ से शायद ही एक आध मॉडल होगा जो कि 30,000 से कम के प्राइस में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता हो, जिस वजह से मैं इनमें से किसी भी एसी को ऐड नहीं कर पाया, बिकॉज 30,000 तक आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही मिलते हैं इन सभी ब्रांड की तरफ से। एसी अच्छे हैं इन ब्रांड के, लेकिन थोड़े से प्रीमियम बोल सकते हैं, बिकॉज इनका जो प्राइस है वो 30,000 से ऊपर ही रहता है अगर आपको अच्छा इन्वर्टर एसी चाहिए तो। और नॉन इन्वर्टर को भी कंपेयर करेंगे तो वो भी इन ब्रांड का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जो ब्रांड आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। वैसे अगर आप कहेंगे तो 30,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे के टॉप 5 एसी भी सिलेक्ट करके मैं आपको दे दूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में जाकर बताना पड़ेगा। सो बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो वो भी बना के दे देंगे। बाकी बताना चाहूँगा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एसी खरीदते टाइम ध्यान रखनी है। स्टेबलाइजर कौन से के साथ में चाहिए, कौन से के साथ में नहीं चाहिए, तो वो ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। माइडिया के साथ में स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जितने भी इन्वर्टर एसीज हैं उनका जो वोल्टेज रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ में आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके एरिया में वोल्टेज वगैरह ठीक ठाक आ जाते हैं। सभी के साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको अलग से देने होंगे जो रहते हैं 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में, और उनके अंदर 3 मीटर का पाइप और वायर फ्री रहता है। उसके अलावा अगर आपका एक्स्ट्रा वायर और पाइप लगता है तो उसके लिए एडिशनल आपको जो इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन आते हैं उनको डायरेक्टली पे करना होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यही सब था इस वीडियो में, पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं जिसको भी इस प्राइस रेंज में कोई भी एसी चाहिए उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।